प्रकार अमरनाथ यात्रा के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है और जिस प्रकार सरकार का नजरिया है वो सारे हिंदू समाज के लिए का अपमान का विषय है। देशद्रोहियों के आगे सरकार घुटने टेक कर बैठ गई है। फारूक अहमद जैसे लोगों को 10 लाख रुपए देने का इनाम मानव अधिकार आयोग के जज बिलाल ने जिस प्रकार दुस्साहस किया है, ये भारतीय सेना का अपमान है। हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस प्रकार उप मुख्यमंत्री का बयान आया है कि बस रजिस्टर्ड नहीं है, पंजीकरण नहीं था, क्या जिसके पास पंजीकरण नहीं होगा वो गोलियों का शिकार होगा? हिंदू समाज का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को खींच के सड़कों पर नंगा नाच नचवाएंगे। हिंदू अस्मिता के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर को झुकाएंगे नहीं। अमरनाथ के लिए हमने अपने नौजवानों की शहादत जिस प्रकार दी है, जिस प्रकार कश्मीर की सड़कों के ऊपर हिंदुओं की अस्मिता का खून बहा है, हिंदू लाशों के चीथड़े बहे हैं, ये पूरे हिंदू समाज के लिए अपमान का विषय है। मैं आह्वान करता हूँ कि सारे हिंदू समाज को सड़कों पर उतर कर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। हमने कभी हज यात्राओं के ऊपर पत्थर नहीं मारे। यदि हिंदू आतंकवादी होता तो हज यात्रा का एक एक यात्री हिंदू आतंकी की गोलियों का शिकार होता। संदीप शर्मा का नाम उछालकर जिस प्रकार हिंदू को आतंकवादी कहा जा रहा है, हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। संदीप शर्मा मुसलमान आदिल बनने के बाद में आतंकवादी बना। भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ वो तब करता है जब वो हिंदू से कन्वर्ट होके मुसलमान बनता है। हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, इसलिए भारत की अस्मिता के लिए हम अपने प्राणों को भी आहूत कर सकते हैं। जय भारत, जय श्री राम।